नेपाल के ऐतिहासिक जनकपुर धाम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक विशेष भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, नेपाल के उप प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्री उपेंद्र यादव। योग को आप जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? जीवन और योग दोनों एक साथ, और योगा खान पान और आचरण स्वस्थ जीवन जीने का एक सबसे बड़ी माध्यम है। जैसे आपने कहा कि जीवन के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी, उन्होंने आज से 5 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उनकी पहल पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को शुरू किया। पूरे विश्व और खासकर नेपाल के लिए आप इसको कितना महत्वपूर्ण? विश्व के लिए और नेपाल के लिए और संपूर्ण मानव जाति के लिए योगा अत्यंत स्वच्छ जीवन के लिए, मानसिक और शारीरिक स्वस्थता के लिए, और एक खुशहाल समाज निर्माण के लिए योगा अत्यंत। भारत और नेपाल के जो संबंध हैं, युगों पुराने सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, और योग को आप इसमें कैसे देखते हैं? यह संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुआयामी है। हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं, हमारे सामाजिक संबंध हैं, हमारे रक्त का संबंध है, हमारे कुटुंब का संबंध है, हमारे राजनीतिक संबंध है, हमारे आर्थिक संबंध है, यानी एक दूसरे के जीवन प्रणाली का संबंध से जुड़ा हुआ है, और यह ऐतिहासिक है। जैसे आपने कहा यह ऐतिहासिक है, राम और जानकी जो हैं वो भी दोनों देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है, और योग का अर्थ भी होता है जोड़ना, तो इसे आप कैसे देखते हैं इस संदर्भ में? योग जो है दोनों देशों को, दोनों देश के लोगों को, दोनों देश के व्यक्तित्वों को, दोनों देश के महापुरुषों को एक साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और आज इस अंतर्राष्ट्रीय 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस जानकी ऐतिहासिक जानकी मंदिर के प्रांगण में योग होना कितना महत्वपूर्ण है, और आप इसे कैसे देखते हैं? इसका दो पक्ष है। एक पक्ष है कि जानकी और ये जनकपुर और ये अयोध्या दो मुल्कों का संस्कृतियों का और संबंधों का याद दिलाती है, एक एकता का, आपसी सद्भाव, मित्रता और संबंध। एक तो इसका सबसे बड़ा संदेश ये भी है। दूसरा है कि हम दोनों देश के लोग मिलके योगा करें और दुनिया को कहें जो योग करो और स्वस्थ रहो और सुखी रहो। प्रसार भारती से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नेपाल के उप प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री उपेंद्र यादव, जिनका कहना है कि योग भारत के जो सदियों पुराने सांस्कृतिक सामाजिक संबंध हैं उनको और मजबूती प्रदान करता है। ऐतिहासिक जनकपुर धाम से प्रसार भारती के लिए राजकुमार।